संत महात्माओं ने स्वच्छता अभियान का जगाया अलग। 13 दिवसीय चल रही ब्रज 84 कोस परिक्रमा बटेश्वर से लेकर ब्रजधाम वृंदावन तक की परिक्रमा आज मार क्षेत्र के गांव टैटी गांव में पहुंची। ग्रामीणों व लाला राम बिहारी जी द्वारा किया गया भव्य स्वागत। बताया जा रहा है कि ये परिक्रमा 13 दिन से चल रही है। इस परिक्रमा में केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान एवं गौवंश को लेकर के जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। जैसे स्वच्छता, गौवंश, पर्यावरण, समाज में बुराइयों को लेकर गांव-गांव जाकर समिति के लोगों ने बटेश्वर से लेकर वृंदावन परिक्रमा पहुंचेंगी। जन जागरण अभियान समिति ने लगाई ब्रज 84 कोस परिक्रमा। मौजूद ग्रामीण वासी कृष्णा कुमार, श्याम बिहारी, राकेश गुप्ता, मनीष गुप्ता, पवन गुप्ता, दीपू आदि शामिल रहे। निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य क्या और किस कारण निकाली जा रही है? ये जन जागरण के रूप में यात्रा निकाली जा रही है पूरे ब्रज 84 कोस में। गाय की दुर्दशा हो रही है, यमुना जी की दुर्दशा हो रही है। गाँव-गाँव में जो सामाजिक बुराइयाँ हैं उनको दूर करने के लिए और एक स्वच्छ सुंदर भारत बने इसके लिए संस्कृति हमारी जो है वो संस्कृति बनी रहे, इन सब उद्देश्यों के लिए यात्रा निकली है। नशा मुक्त हो, ये सब जो समाज में बुराइयाँ हैं उनके लिए भी ये यात्रा 13वीं बार बटेश्वर से शुरू होती है और पूरे ब्रज 84 कोस में घूमती हुई ये वृंदावन इसका समापन। अब यहाँ से आगे के लिए कहाँ पर स्थान करेंगे? हमारा ये भद्रवन धाम में पड़ाव है, उसके बाद वृंदावन पहुँचेंगे। वृंदावन 2 दिन का हुआ है, 1 दिन मंदिरों का दर्शन, दूसरे दिन परिक्रमा और जन जागरण।